नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार नगर चुनाव को लेकर इस समय पहुंच चुका हूं जनपद झांसी के मोड़ नगर पंचायत में, जहां यहां बीएसपी के साथ जनसंपर्क में प्रत्याशी मैदान में है। दर्शकों, जैसा कि मैं लगातार नगर चुनाव को लेकर जनता का रुझान व प्रत्याशियों के रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूं, उसी बीच आज मैं नगर पंचायत मोड में पहुंचा हूं, जहां वीएसपी के प्रत्याशी अपने जनसंपर्क के जनसमर्थकों के साथ जनता पर पहुंच मैदान में है और लगातार जनता का आशीर्वाद मांगने का प्रयास कर रहे हैं। जरा हम उनसे मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रामकाली मौजूद है। रामकाली, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और आपका क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जनसंपर्क में जा रही है, क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम अनामिका महेंद्र कुमार गौतम है और मैं मोठ नगर पंचायत अध्यक्ष से बहुजन समाज पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हूँ। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता? जी मुद्दे तो मैं पहले भी जैसा बता चुकी ने दिया है, उनको एक जातिगत ढांचे में केवल रख दिया है कि वो दलितों के नेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जितनी भी नारियां, जितनी भी महिलाएं आज चुनाव लड़ सकती हैं, वो उन्हीं की देन है जो उन्होंने संविधान में लिखा, वरना बहुजन समाज पार्टी। तो वो आज चुनाव लड़ पा रही हैं, वो उनके न परिवार वालों की देन है, न समाज वालों की देन है, बल्कि बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान की देन है कि आज महिलाएं चुनाव लड़ पा रही हैं। तो उनकी स्टैचू का अनावरण कराया जाएगा और जो भी रोड अस्त व्यस्त पड़े हैं, टूटे उखड़े पड़े हैं, उनका निर्माण बिल्कुल सुचारू रूप से कराया जाएगा। नगर पंचायत जो है भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत होगी और शासन द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी उनका लाभ सीधे लाभार्थी को दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का सुविधा शुल्क नगर पंचायत द्वारा, उनके कर्मचारियों द्वारा नहीं वसूला जाएगा। नारी के, जो मैं नारी हूँ इसलिए उनके सम्मान में मतलब जैसे बच्चियां जाती हैं, कॉलेज जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, रात में जा रही हैं, तो उनको असुविधा होती है, तो उनके लिए स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, जो कि अभी कहीं कहीं देखने में है कि लगे हैं लेकिन वो सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है। जी, तो जो भी घटनाएं होती हैं उसमें कवरेज नहीं हो पाती हैं, तो मैं उनको लगवाऊंगी और उसका सीधा प्रसारण थाना में एवं अपनी नगर पंचायत में करवाऊंगी। तो अलामका जी, और आपके नगर में लगातार छुट्टा जानवरों में जो है भ्रमण करते रहते हैं, जिनसे जो है दुकानदारों को भी और लोगों को भी परेशानियां होती हैं, इन छुट्टा जानवरों के लिए आपने क्या सोचा है? जी बिल्कुल, छुट्टा जानवर जो घूमते रहते हैं तो उनके लिए वैसे तो गौशालाएं हैं, लेकिन उन पर प्रॉपर काम नहीं हो पाता। मतलब हमारे पास सुविधाएं तो हैं, लेकिन उन सुविधाओं को धरातल पर चलाने वाला कोई नहीं है। तो उनके लिए एक पूरी टीम गठित की जाएगी, जिससे कि उन जानवरों को चारा उपलब्ध हो सके और उनके मतलब किसी भी प्रकार को उनको भी हानि ना हो और उन जानवरों से लोगों को भी परेशानी ना हो। आपके बीच में काफी प्रत्याशी मैदान में है, अन्य पार्टियों से है, निर्दलीय रूप में भी है, तो उनको किस तरीके से आप देख रही हैं? प्रत्याशी तो जो भी हैं वो सब इतना मतलब महिला प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए जो उनके प्रतिनिधि हैं वो बोलते हैं। मैं कहूँ कि कोई प्रत्याशी अपनी बात रख ही नहीं पा रहा है जनता के सामने, ना कोई खुल के कह पा रहा है कि मैं आपके लिए ऐसा करवाऊंगी, प्रत्याशी तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैं इस क्रम में मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, भाई हमें अधिकार मिला है तो हम अपनी बात स्वयं करेंगे, हम अपने नगर का विकास स्वयं करेंगे, ना कि किसी के द्वारा। क्योंकि भाई 100 रुपए अगर हम आपको देंगे तो वो 100 रुपए आपको देंगे, लेकिन बाया बाया जाएंगे तो भाई 100 रुपए आपके पास कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, तो ऐसे में नगर का विकास संभव नहीं हो पाता है। प्रत्याशी हमारी बढ़ती लोकप्रियता से बहुत भयभीत हैं, घबराए हुए हैं, तरह तरह के इल्जाम भी लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने जो है टिकट बेचा है, उन्हें पैसे में खरीदा है, तो ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, छोटी मोटी पार्टी नहीं है वो कि वो ऐसा काम करे। वो उन पार्टी के लिए जो ऐसा बोल रहे हैं मुझे लगता है वो संकीर्ण मानसिकता के लोग, कि उन्होंने मुझमें काबिलियत देखी और मैं उस पार्टी से आज से नहीं जुड़ी हूँ। मैं कहूँ कि मैं तो बचपन से बहुजन समाज पार्टी मेरा परिवार है और मैं उससे बचपन से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पिता जुड़े हैं, मेरे पूर्वज जुड़े हुए हैं, वो मेरी पार्टी क्या है, मैं तो उससे बचपन से जुड़ी हूँ। तो मेरी काबिलियत को देखते हुए और उसमें लगन को देखते हुए उन्होंने मुझे टिकट दिया है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग ये दिखावा करते हैं कि मैं तो समाज सेवी हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ, मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे चार खड़े रखवा देने से और फोटो खिंचवा लेने से या दो चार फल बांट देने से, दो चार फल बांट देने से जो है सेल्फी ले ली और फल बांट दिए, उससे कोई समाज सेवी नहीं बन जाता है। भाई अगर उनके प्रत्याशी है तो वो बोले अपनी बात,
वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको अगर विकास के लिए, नगर के विकास के लिए निधि की आवश्यकता पड़ती है तो प्रत्याशी मीटिंग में जाएगा कि प्रतिनिधि मीटिंग में जाएगा? आप भी समझदार हैं और मठ की जनता भी समझदार है, बताइए कौन जाएगा मीटिंग में? प्रत्याशी जाएगा। जब प्रत्याशी आज अपनी बात नहीं बोल पा रहा है तो विकास कार्यों के लिए जो निधि लानी पड़ेगी वो कैसे बोल पाएगा? कैसे बोल पाएगा? हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसा ना करें, आप शिक्षित प्रत्याशी को और सही प्रत्याशी को चुनें, जातिगत भेदभाव में ना पड़े, क्योंकि जातिगत व्यवस्था तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। संविधान के अनुसार हम सभी समान हैं, ना कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गोरा काला, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है, पुरुष और महिला भी समान है। इसी क्रम में तभी नहीं तो पहले महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, आज महिलाएं चुनाव भी लड़ रही हैं और चांद पर पहुंच रही हैं, पीएम सीएम बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो प्रत्याशी के प्रतिनिधि जो बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो हमारी लोकप्रियता से डरे हैं, बहुत भयंकर तरीके से घबराए हुए हैं। आप नारी हैं, नारियों पर इतना ज्यादा बोल रही हैं, नारियों के लिए आपने क्या सोचा है वोट? नहीं, नारियों के लिए बिल्कुल उनके विकास का पूरा कार्य किया जाएगा। जो भी जैसे लघु उद्योग होते हैं उनको सुविधाएं नहीं है, वो करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास जैसे व्यवस्था नहीं है, रुपए की व्यवस्था नहीं है, या घर में उनके में वो माहौल नहीं है, समाज में लोग कहते हैं अरे तुम कैसे कर पाओगे। तो मैं चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ कि महिलाएं चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं, बस उनको थोड़ा सा हौसला, थोड़ी साहस की जरूरत है। वो हौसला, वो साहस, वो अर्थ मैं इतना मतलब उनको पॉसिबिलिटी करूंगी कि वो जरूर कर पाएंगे। और आपने अभी तक लगभग मोठ नगर पंचायत में कितना जनता का समर्थन पाया, कैसा रुझान आपको लग रहा है? जनता का समर्थन तो आप देख सकते हैं, सैकड़ों की भीड़ हमारे साथ में चल रही है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं, जैसे अभी हमने मदारगंज में भी भ्रमण किया था तो वहाँ कुछ महिलाएं कह रही थी कि सुश्री माननीय मायावती जी के शासन में हमारी पेंशन बनी थी, लेकिन अब हमारी पेंशन जो है 2 साल से मिली नहीं रही है। तो हमने कहा लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के जो उन्होंने बनाया है ये, उसी क्रम में मैं कार्य करूंगी। आपकी जो भी पेंशन है, या जैसे कोई नालियां बड़ी गंदी पड़ी रहती हैं, या उनकी जो भी समस्याएं आती हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, कोई किसी तरीके से कि ये कागज नहीं है, तो सारी समस्याओं का मैं निदान करूं। अच्छा अनामिका जी, अभी तक आपने कितना मोठ नगर पंचायत का लगभग जनता के बीच में कितने प्रतिशत में, कितने समझे, कितने वार्डों में आपने जनसंपर्क कर लिया? मैंने तो जनसंपर्क काफी किया है और प्रतिशत की बात करें तो मुझे तो पूरा सपोर्ट और सहयोग लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उनका बहुजन समाज पार्टी पर, और पार्टी से बढ़कर वो देख रहे हैं कि प्रत्याशी हमारा जो है वो प्रत्याशी पे भी जा रहे हैं। और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगी कि आप ना पार्टी पे जाएं, ना प्रतिनिधियों पर जाएं, आप प्रत्याशी पर जाएं, जो आपकी बात को जनता के मतलब सरकार के बीच में जो लोग कह रहे हैं अरे हमारे विधायक हैं हम उनसे लेकर आएंगे, उनके क्या विधायक हैं? सरकार तो जो भी बनती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जो भी सरकारें बनती हैं वो हमारी सबकी सरकारें होती हैं। भाई बहुजन समाज पार्टी में कहूँगी मेरी पार्टी है तो ये तो गलत होगा ना कहना, हम सबकी पार्टी है तो सबके हित में कार्य करती है। तो अगर मैं सरकार को सही तरीके से आंकड़े मुहैया कराऊंगी कि हमारे यहाँ रोड बनना है, यहाँ नाली बननी है, या जी मैं मोठ नगर वासियों से विनम्र अपील करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जो युवा हैं, 18 वर्ष से अधिक हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि सभी लोग 4 मई को अपने नजदीकी पोलिंग बूथ जो उनका है उस पर जाएं और मतदान अवश्य करें। एक एक मत आपका कीमती है, क्योंकि बाबा साहब ने ही आपको ये अधिकार दिया है कि आप अपना प्रतिनिधि, अपना नेता, अपना अध्यक्ष स्वयं चुन सकते हैं। नहीं तो इसके पहले तो आप जानते ही हैं, जैसा कि रानी के पेट से पैदा होने वाला बालक ही राजा कहलाता था, और आपको ये अधिकार मिला है तो इस अधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ में उन नगरवासियों से भी निवेदन करना चाहूंगी जो किसी कार्य मतलब कारणवश, चाहे तो व्यवसाय के लिए, चाहे तो नौकरी के लिए बाहर रह रहे हैं, मैं चाहूंगी कि इसको आप लोकतंत्र के त्योहार के रूप में मनाएं, और जैसे आप होली, दिवाली, दशहरा, ईद और क्रिसमस मनाने अपने घरों में वापस आते हैं, लौटते हैं, त्योहार मनाते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही ये लोकतंत्र का पर्व है जो 5 साल में एक बार आता है। मैं और इसको आप जो है आए और मत अपना अवश्य दें, क्योंकि आप परिवर्तन जो है आप चाहते हैं वो आपके मत से ही संभव है, इसलिए आप मतलब मत जरूर करें और किसी भी तरीके की जातिगत व्यवस्था को तोड़कर आगे बढ़ें। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि मेरा नाम अनामिका महेंद्र कुमार गौतम है,
और मैं बहुजन समाज पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हूँ और आप अपना मत मुझे चुनाव चिन्ह हाथ ही पर देकर जो कि नंबर एक पर ही है, बिल्कुल एक नंबर पर ही है, इस पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। और मैं एक बार बहुजन समाज पार्टी समाज पार्टी समाज पार्टी खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या। जिन्होंने बताया कि लगातार और एक ऐसा प्रत्याशी जो लगातार नारी पंचायत के सम्मान में दौड़ लगा रहे हैं, उनका विश्वास है कि इस बार मोड नगर पंचायत में भाजपा हाथी पर विजय देकर जनता वोट दिलाएगी और भाजपा की भारी मतों से विजय होगी। ऐसी खबरों को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। झांसी से संवाददाता प्रदीप कुशवाहा के साथ सुरेंद्र राजपूत की एक खास रिपोर्ट। हम तुम्हारे साथ हैं।